सो एक्सक्लूसिव स्काउट है हमारे साथ में. सो आप बताओगे अपने अपनी जर्नी के बारे में कि एक नॉर्मल जैसे आपकी इंजरी हो गई थी, मैंने आपके बारे में देखा था, उसके बाद में एज अ इतने बड़े पबजी प्लेयर, सो आपकी जर्नी कैसी रही है? तो अभी कैसा है कि लाइक पैशन को आप चेज करो यार, आप गिव अप मत करो. मैं भी जब चालू किया था देखो उस टाइम पे सिर्फ रैंक पुश था. तो आप अब आज के डेट में क्या है कि ई स्पोर्ट्स आप ट्राई करो, अगर आपको नाम बनाना तो ई स्पोर्ट्स पे ट्राई हार्ड करो, ग्राइंड करो. आप ग्राइंड सीजन छोड़ दिया ना तो याद रखना आपका करियर नहीं होगा. बस गिव अप नहीं करना. मैं भी आज तक गिव अप नहीं करूँ. देखो आज तक मैंने भी कोई टूर्नामेंट बड़ी जीती नहीं है, तो भी लोग जानते क्यों जानते यार मैं ग्राइंड करते जा रहा हूँ, चलेगा, कभी ना कभी सक्सेस आएगा, बस मेहनत कर. सो ब्रो जैसे आप उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहोगे जिन लोगों की टीम नहीं है? लोग पर है ना सोलो बहुत ट्राई कर रहे हैं पर टीम नहीं बन पा रही है, ये सबसे बड़ी दिक्कत. सब लोग बोलते हैं मेरे पास टीम नहीं. भाई देखो अगर आप अच्छा खेलोगे ना आपको सामने से टीम अप्रोच करती है. अभी आपको मैं कुछ कुछ प्लेयर्स का नाम बताऊंगा, जैसे कि हो गया वीरू, फिर स्नैक्स, ये सब अचानक से आए. कैसा है इन लोग ग्राइंड कर रहे हैं, इन लोग भी एक साल से ग्राइंड कर रहे हैं. अब इनको एक्सपोजर इसलिए मिला इन लोग ने परफॉर्म किया, तो आप भी ग्राइंड करते रहो, किसी ना आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ आप परफॉर्म करोगे और आपको वहाँ से टीम एक उठा लेंगे. सो ब्रो जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा इशू होता है इस चीज के अंदर. सो आपने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको भी एक्सपोजर नहीं मिला था. स्टार्टिंग में मेरे को घर से सपोर्ट नहीं रहा, घर वाले सोचते यार गेमिंग कर रहा क्या कर रहा है. बट आपको अगर ना लाइक ई स्पोर्ट्स इज नॉट अ बिग थिंग इन इंडिया, अभी लोगों को पता है ई स्पोर्ट्स क्या है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाओ कि पेरेंट्स को दोगे ओके आप मेरे को एक महीने का टाइम दो, आपको मैं इस टूर्नामेंट में कुछ आप करके दिखाता हूँ कि हाँ ई स्पोर्ट्स से करियर है. तो लाइक यू नो यू नीड टू प्रूव टू योर पेरेंट्स, आपको दिखा सकते हो हाँ मैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स यार वो आपकी चिंता है आपके फ्यूचर को, तो आप अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करके दिखा अपने पेरेंट्स को. सो ब्रो लास्ट क्वेश्चन कि अगर कोई बंदा ई स्पोर्ट्स में आना चाहता है, पबजी प्लेयर बनना चाहता है, तो उन लोगों के लिए स्टार्टिंग क्या रहेगी, कि स्टार्टिंग में वो करे क्या जिससे लोग उनको पहचानना शुरू करें? भाई यार आप क्या बता रहे, आप मेहनत करो, मेहनत ही हर चीज़ है. और सो मतलब प्रैक्टिस पूरी की पूरी करनी है, कोई प्लेटफॉर्म जिसमें आप अगर हम प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि नॉर्मल तो प्रैक्टिस नहीं. देखो अभी आपका अगर आप बेसिक प्लेयर्स बेसिकली स्टार्ट कर रहे हो तो आप रिमूव कर सकते हो कि आप बेसिकली कर सकते हो यार रैंक पुश करो, वहाँ से आप कस्टम्स खेलो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 ओके वहाँ से आपको एक्सपोजर मिलेगा ट्रेनिंग ग्राउंड. सो हमारे साथ एक्सक्लूसिव द गॉड स्काउट थे, ठीक है. सो थैंक यू.